Billy. Hi, it's Billy from Turkey. But I visited India 2 times. Valla, ucuz oluyor mu Kolombiya şeylerine? Welcome. काफी बड़ा फ्लाइट है भाई, एयर इंडिया, सॉरी इंडिगो का बाइक ही होगा इन्होंने, नई फ्लाइट। दो साल बाद लैंडिंग हो गई है तुर्की में। पहली बार मैं जब सर्बिया जा रहा था, रसिया से सर्बिया जा रहा था, इस्तांबुल आया था। अभी फिर यूके के लिए जा रहा हूँ, तो इस्तांबुल उस टाइम स्टे नहीं थी, इस टाइम मैं रुकूँगा 3-4 दिन और फिर मैं आगे जाऊँगा, यूके जाऊँगा। भाई ये था अपना इंडिगो का फ्लाइट, जो काफ़ी बड़ा था यार। इसमें नियर अबाउट 60 रोज थी, 60 रो में लगा लो, एक रो में 10 सीटें थी। बिजनेस क्लास और लास्ट वाली सीटों को निकाल के लगा लो आप, 550 पैसेंजर फ्लाई करके इंडिया से तुर्की आया है। और एक फ़्लाइट वो आ भी रहा है, वहाँ से आपको दिख रहा होगा, वो भी लैंड करने वाला है। एक बात और कहते हैं भी यार, एयरपोर्ट तो दुनिया का पता नहीं कौन सा बड़ा है। मैं इतना दोहा का मैं गया था, दोहा का भी अच्छा बताते हैं, वर्ल्ड का अच्छा एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट है। वहाँ पे भी मैं काफ़ी टाइम मतलब रुका था भाई, जब मेरे को मेरे कोविड टेस्ट जो था ना, जो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट था उसमें डेट ऑफ बर्थ मेरी प्रॉब्लम थी ना, लास्ट टाइम मैंने तुर्की अप्लाई करना था तो उस टाइम मेरे को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो प्री एक्स मांगते थे, प्री अप्रूवल, आप कोविड सर्टिफिकेट वैक्सीन हो या नहीं हो, तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से प्रॉब्लम आई। तो मैंने दोहा में, मेरे को लगता है एयरपोर्ट में मैंने 24 आवर के ज़्यादा निकाला था। तो ये जो तुर्की का जो एयरपोर्ट है ना, ये बड़ा तो नहीं है, बट जो तुर्की से एयरलाइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बताते हैं लोग है वाकई में, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स जो है। इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये जो है ना एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा कनेक्टिव फ्लाइट ये इनसे फ्लाई करती है, तो एयरपोर्ट भी रनवे अच्छे हैं इनके पास और जो फ्लाइट्स हैं वो भी इन्हीं के पास ज़्यादा है। देखिए लोगो लगा ना पीछे, ये तुर्की एयरलाइन का ही लगा हुआ है, और ऊपर अभी देखो, ये देखो ये फ्लाइट तुर्की एयरलाइन का ही जा रहा है आगे, ठीक है। तो तुर्की एयरलाइन अच्छी खासी एयरलाइन है, बड़ी एयरलाइन बताते हैं। तो फाइनली इमिग्रेशन हो गया, बहुत ही सक्सेसफुल, कुछ नहीं पूछा कोई भी, मतलब कब जाना है, कब वापस आना है, कहाँ रुकना है, कोई कुछ नहीं पूछा। तो एक मेरा यूके वीज़ा चेक किया, दूसरा जो मेरे के पास ई वीज़ा था, जो ई वीज़ा चेक किया, और कुछ भी नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की भी, मैम प्लीज़, एक लेडी थी बुरका पहना हुआ था, तो थोड़ा सा उसका बिहेव ऐसे था। मैंने बोला मेरा पासपोर्ट में पेज थोड़े से कम है, तो मेरे यूज्ड पेज पे स्टैंप दे दीजिए। पहले तो स्माइल करी, फिर बोले नो। मैं फिर बोला कि प्लीज़ नो, स्माइल कर रही है यार, हंस रही है यार, स्टैंप ठोक दी नए पेज पे, एक पेज का नुकसान हो गया तुर्की में आने के बाद। चलो कोई बात नहीं, अभी पेज हैं, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं पेज मेरे पासपोर्ट में यार, और मैंने एक पेज पे, एक पेज पे 7-8 स्टैंप लगवा रखी है इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल बोल के, ताकि यार पासपोर्ट बनने में टाइम बहुत लगता है यार, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है इसमें। तो बाकी चलो कोई नहीं, अभी लगेज क्लेम करते हैं, उसके बाद में आगे जाएंगे अपने दोस्त और पोस्ट के पास, समझ गए। ये देखो भाई यहाँ पे बैगेज क्लेम हो गए, और यहाँ से आगे जाए। एयरपोर्ट ठीक बना रखा भाई, तगड़ा बना रखा। इधर ये ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री में पे अभी कुछ लेने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं इंडिया से काफ़ी कुछ लेके आया हूँ, और यूके से मैं वापस आऊँगा तो भाई मैं अच्छा खासा सामान लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास बैगेज भाई 40 किलो, 23 किलो, दो बैगेज है, 23-23 किलो के, एक 8 किलो का बैगेज, एयर इंडिया की फ़्लाइट है, तब मैं सामान भर के ले जाऊँगा। एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ भाई, अगर आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आते हो और आपको वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ्री वाईफाई 2 घंटे यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को ये स्लिप मिली है, वाईफाई का पासपोर्ट मिला, ऐसे ही जो ये वाइट कलर का जो मशीन खड़ी आपको दिख रही होगी, ये जो मशीन है ना, इस मशीन में अपना क्या कर रहे हैं, आपका जो पासपोर्ट है, जहाँ पर आपका पासपोर्ट का बार कोड लगा होता है ना, जो मेन पेज होता है, फ्रंट पेज पासपोर्ट का, उस बार कोड को वहाँ पे एक स्वाइप मशीन है, स्वाइप करोगे जैसे अपने एटीएम स्वाइप करते हैं, और उसको स्वाइप करते ही आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी भी आप 2 घंटे फ्री वाईफाई यूज करोगे, उस पर क्लिक करो और पासपोर्ट आपका जो है उसको प्रिंट के ऊपर प्रिंट लिखोगे, तो हाथों हाथ उसने आपका वाईफाई पासपोर्ट दे देना।
ठीक है। तो ऐसे करके आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे वाईफाई 2 घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर आ गए करके, इस्तांबुल का एयरपोर्ट है ये देखिए भाई, फ्लैग लगा हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर टैक्सी स्टैंड पे, और वहाँ से टैक्सी लेनी है। और मेट्रो भी जा रही है, मेट्रो टाइम लगा रही है नियर अबाउट 1 घंटे से ज़्यादा। टैक्सी 15 मिनट में पहुँच जाएगी, 15-20 मिनट में, क्योंकि 15 किलोमीटर का दूर है अपने यहाँ से जो घर है, अपने दोस्त मित्र का लगा लो, होस्ट का लगा लो। तो सोच रहा हूँ टैक्सी से ही जाऊँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेडेक नहीं रहेगी। तो सिर दर्द कर रहा है मेरा यार, काफ़ी टाइम बाद फ्लाइट में है ना, लॉन्ग जर्नी थी, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जा रहे हैं टैक्सी बाहर, देखते हैं टैक्सी वाले क्या तोड़ बार करते हैं। वैसे ये जो है ना, यहाँ पे वही करते हैं, क्या नाम है, थोड़े पैसे ज़्यादा ही लेते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहता है। सिम का पूछ लेता हूँ पहले, क्या सिम का वोडाफोन का मिल रहा है, क्या सीन है देखते हैं। इंटरनेट इतना महंगा ना, 12 GB इंटरनेट मिल रहा है सिर्फ, कितना पता है, $65 का। अरे मैंने कहा भाई यार इतना महंगा इंटरनेट लेके कहाँ पे जाऊँगा मैं, तो टैक्सी वाले को सीधा दिखा के सीधा चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं बिना इंटरनेट भी काफ़ी कंट्री में घूमा भी हूँ, तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। होस्ट के घर पे जाके वहाँ पे लोकल मार्केट से सिम कार्ड लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा दे रहे हैं यार, बट चलो कोई बात नहीं। जो भी है, सिम कार्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था यार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब यार 12 GB और $65। मैंने कहा यार क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, अपने लिए नहीं है, तो अपने जा रहे हैं अभी टैक्सी वाले के पास, उनको दिखा देंगे। वैसे मैंने अंदर वाईफाई से सारा कुछ चला लिया था, और अभी वाईफाई के ऊपर मैप चला के अभी जा रहा हूँ मैं। गारबेज का क्या बनाया देखो भाई इन्होंने, जो बोतल्स होती है ना प्लास्टिक कैंस, कैन का किए बना दिए। अभी यहाँ पे पता लगे कार पार्क टैक्सी लिखा है ना, तो यहाँ पे जा रहे हैं भाई, ये देखो टैक्सी के पास जाएंगे, और फिर कोई ना कोई देखते हैं टैक्सी वाला क्या कहता है। बहुत सेम इंडिया वाला होता है, हर कंट्री में सेम ही चीज़ रहती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होने वाली, बाकी देखते हैं क्या रहता है। बहुत ठंडी बहुत है यार, हवा बहुत, हाय हाय हाय, हवा बहुत ही ठंडी आ रही है। ये टैक्सी वाली लग रहे हैं मेरे को, लग रहा है पूरी ठंडा भाई तुर्की में भी। और ये लो भाई, तुर्की का वेलकम हो चुका है। एयरपोर्ट अच्छा खासा बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है लग रहा है वैसे मेरे को, छोटा पर है बड़ा काफ़ी। टैक्सी किधर मिलेगी, टैक्सी मिलेगी इस साइड में, जहाँ पे बस है वहीं पे टैक्सी मिलेगी। रेंट पे कार रेंट वगैरह तो नहीं करनी अपने को, अपने को ओनली टैक्सी चाहिए, तो देखते हैं टैक्सी क्या रहता है उधर। यहाँ पे ये टैक्सी वगैरह सारी, इन कंट्रियों के ये मज़े अच्छे हैं, टैक्सी तो बहुत अच्छी लगी है, पर बैठने के लिए जगह देखो यार कितनी खूबसूरत बना रखी है। यहाँ पे आप स्मोकिंग भी कर सकते हो, बैठ भी सकते हो, बहुत अच्छा सीन बना रखा है। धूप बड़ी कड़ाके वाली निकली है, लोग इधर धूप में भी बैठे हैं, और इधर इसको भाई थोड़ी गर्मी लगती है वो ठंड में ही बैठ जाए। देखो भाई एकदम बढ़िया सीन हो रखा है, अच्छा यार तुर्की कंट्री बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इसका ग्राफ डाउन आ गया था, क्योंकि कोई टाइम था जब इनका जो लीरा, तुर्की से लीरा बोलते हैं, मैंने अभी सच एक बात बता दूँ, मैंने अभी तुर्की से लीरा 2000 निकलवाए हैं मेरे कोटक महिंद्रा बैंक डेबिट कार्ड से, और मेरे को चार्जेस पड़ा है भाई, ज़्यादा महंगा पड़ा है एयरपोर्ट के अंदर, 6500-6300 रुपये लगे हैं मेरे को, और एक्चुअल में जो गूगल पे प्राइस दिखा रहा है वो 54 है, मतलब 5400 रुपये, 800 रुपये ज़्यादा ATM चार्जेस वगैरह हो सकते हैं। 2000 कटवाए हैं, बाकी मैं ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन करूँगा वो ATM कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ही करूँगा, ज़्यादा कैश कटवाना मेरे को, मैंने को मैं अच्छा नहीं मानता तो बाकी चलो बढ़िया है ना, मैं चेंज करवाता, मेरे पास $US भी है, मैंने कैरी किए हैं काफ़ी, 500-700 $ भी है, CAD भी है, बट मैंने उनको चेंज नहीं करवाना, जस्ट एक सेफ्टी तौर पर, कई बार ATM ना वर्क करे तो सेफ्टी तौर पर वर्क करे। तो भाई टैक्सी हमने किया है, गेट से निकलते ही हमको मांग रहा था 550 लीरा, और गेट से थोड़ा सा बाहर आके ही पता लग जाता है यार आपको, जब रेगुलर करते हो तो 350 लीरा, ये भी चलो ठीक है, कोई ज़्यादा ही है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि आपको जो मेट्रो मेरे को जो मेरे लोकेशन पे पहुंचा रही थी वो 80 लीरा में थी, बट मैं अभी 350 लीरा दे के जा रहा हूँ, क्योंकि मेट्रो लगा रही थी 1.25 घंटा लगाएगी और ये 20 मिनट नहीं लगेगी, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, तो फाइनली इन तक ही। एंड
जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे मिलाते हैं क्या सीन रहता है। तो अभी जो अपने को लेके जा रहे हैं, हाउ आर यू? I'm good. And what is your name? Alihan. Lehan. Okay. Your name? My name is Piraj Pawan. Yeah. Indian? Indian. Yeah. Yeah, yeah, yeah. This is my first time in Turkey. Yeah. But second time, but at the first time I was just transit airport. Airport transit. Yeah, but this time I'm officially in Turkey and really beautiful country. तो भाई अच्छा लग रहा है, तो आगे चलते हैं देखते हैं क्या रहता है। अभी तुर्की से लाइन के पूरे भाई चर्चे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने दोस्त सीज बिली। Billy from Turkey. And she already traveled in India. Yeah. How long you stay in India? 3 weeks. But I visit India 2 times. Like. Okay. Which city you like the most in India? Rishikesh. Yeah. Wow. So nice. Because there is no cars. I like to walk there in the forest and climb the mountain. Okay. And also Ganga River was so clean. So clean. And so nice. It was beautiful. Thank you so much. And right now I am in the Billy house and she is living in Turkey's Istanbul. The city center is over there and she also, I can show you like two of new friend. And what is your name, please? We are Marion and Julian. We are from Gotcha, from France. Okay, she is Marion. Marion from French. And what is your Julian. Julian also from French. एंड भाई हम यहाँ पे मतलब बिली के घर पे मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये होता है एक मतलब अगर काउच सर्फिंग आप यूज़ करें तो उसमें आप नए दोस्तों से मिल सकते हो और आप कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूँ भी जो बिली के मदर हैं वो अंदर कुकिंग कर रहे हैं स्पेशल हमारे लिए। और मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ एयरपोर्ट पर तो इसलिए वो चपाती वैसे बना रहे हैं, मतलब रोटी बना रहे हैं। मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मतलब तुर्की में आके भी मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है भी मैं इंडिया से बाहर आया हूँ, तो मतलब फूड वो मिल सकता है यहाँ पे। तो ये छोटा सा विलेज है, जस्ट लुक लाइक स्विट्जरलैंड। थैंक यू सो मच बिली टू शो मी मिनी स्विट्जरलैंड इन तुर्की। या एंड आई जस्ट वांट टू शो द कुकिंग दैट योर मदर। या सो नाइस ऑफ यू। तो भाई अंदर इधर किचन है और किचन में इनके माताजी अभी कुकिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक शूट कर लिया जाए और आपको थोड़ा सा दिखाया जाए भैया फिर भाई इनकी बिल्ली। और तो भाई ये है कॉफ़ी, तुर्की में तुर्कीस कॉफ़ी भाई ऐसे ही पीते हैं। और दिस इज़ लाइक चीज़ बटर एंड नट्स में भी ओलिव। ओके, दिस इज़ लाइक It's like a salsa sauce with tomato and sauce. red pepper. But it's sweet. Okay, and this and one? That's marmalade. Marmalade, huh? Yeah. Okay. और एक बात बताऊँ, गांव में अगर आप रहे तो ये पिड्डे होते हैं भाई बैठने के लिए, वो देखो। Same like in my village. Yeah. And hello. Hello. This is Billy's mother. Yeah. Okay. Uh-huh. What is your name? Julia. हुलिया। एंड भाई रोटी बना रही है देखो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये लो भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड भाई थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम इंडिया। Yeah. Love from Turkey. Thank you. Aşkına götürdün ki bir tane oradan. Bir tanesini götür de. Nasıl götüreyim? Çocuk yesin şuradan. Peki. Tamam biz de yeriz. Kafi bunu arıkayım bay. तो ये ऐसी बात है भाई, अच्छा लग रहा है। अगर कहीं नई जगह जाओ तो नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो बिल्ली की वजह से मैं इनसे भी मिल पाया हूँ, तो थैंक यू सो मच। मिनी स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, देखो वेदर बहुत ही खूबसूरत है पीछे। और देखो भाई क्या आवाज़ है। और अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर में, जो यहाँ पे नज़दीक सिटी सेंटर है वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ी सी शॉपिंग शॉपिंग भी कर सकते हैं, कोई पता नहीं टाइम का क्या करना क्या नहीं करना। वाह। तो ये भाई अपने दोस्त जा रहे हैं साथ में, और यहाँ पे कुत्ते बहुत रखे हैं यहाँ। बाकी ये देखो स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, एकदम दबा के। हर घर में कुत्ते भाई, तुर्की में कुत्ते बहुत ज़्यादा रखते हैं लोग। बट अच्छा फील हो रहा है वहाँ पे, मेन जो इस्तांबुल सिटी सेंटर है वो उस साइड में रह गया। ये थोड़ा सा साइड में गाँव
Ucuz oluyor mu Kolombiya şeylerden? Gerçekten mi? O zaman evet. 10 numara bir yer. Bursa'nın bir alakası yok. जब हम जूली के घर से निकले तो वहाँ से बस जो निकल गई थी पर हमें पता भी नहीं लगा बिली तो भाई पता ही नहीं लगा। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक रैंडम बिली ने टैक्सी खवा दिया, टैक्सी नहीं था यार, किसी की प्राइवेट कार थी। उस बंदे ने पूरा जहाँ पे लोकेशन थी वहाँ पे छोड़ के आया। और अभी हम बिली के, वो एक किक बॉक्सिंग करती है भाई, और उसके जो किक बॉक्सिंग जहाँ पे करती है वहाँ से हम आए हैं बस स्टॉप, और साथ में हमें मिल गए फ्रांस वाले दोनों जोड़ा। और अभी हम बस का वेट कर रहे हैं और जा रहे हैं बिल्ली के घर। तो कुछ ऐसे रहा है फर्स्ट डे इन फ्रांस फ्रांस वालों के साथ और बिल्ली के साथ इन इस्तांबुल में, ठीक है। तो जाके देखते हैं क्या रहता है, और कल के दिन शुरुआत करेंगे घूमने की, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। बाकी थोड़े से एक दो काम है वो भी अटेंड करने कल, और देखते हैं क्या माहौल कैसे रहता है। दिस इज गुड आफ्टरनून हेयर इन टर्की, एंड राइट नाउ मी एंड बिली वी आर गोइंग टू सी सेंटर। यप।